अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस एहतजाजी जलसे में शिरकत करके और हमने इस काले कानून के खिलाफ जिसको दिल्ली की मोदी हुकूमत ने जिसकी तारीफ बिहार के मुख्यमंत्री आला नीतीश कुमार ने की, हमारा यहाँ पर जमा होना इस बात का संकेत देते हैं कि हम इस काले कानून के खिलाफ है। मेरे बुजुर्गों, सीमांचल की ये गयूरों की सरजमीन, रियासत बिहार की यह सरजमीन एक तारीखी सरजमीन है। 1917 में चंपारण की तारीख से पहले हजरत मौलाना शेख गुलाब ने और शेख अदालत ने अंग्रेजों के खिलाफ इस रियासत में बिहार प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का आगाज किया। वहीं पर मौलाना सज्जाद ने मोहम्मद अली जिना के पैगाम को ठुकराया। ये जिना अंग्रेज़ है और यही मुबारक तारीखी जगह है जहां पर मोमिन कॉन्फ्रेंस हुई थी अब्दुल मोहम्मद अब्दुल की। मोमिन कॉन्फ्रेंस ने रहमानिया के बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी बड़ी बड़ी कुर्बानियों को पेश किया और इन तमाम ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर इस मुल्क को आजाद करवाया। महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुल्क की लड़ाई में हिस्सा अदा किया और जब हमने आजादी के बाद अपने आप को एक संविधान एक आईन दिया, उस संविधान में यह कहा गया कि हिंदुस्तान में तमाम को मसावात दिए जाएंगे और हमने जिस संविधान को बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया उस संविधान में साफ और वाजे तौर पर लिख दिया गया कि मजहब के नाम पर किसी से भी तफरीक नहीं की जाएगी, किसी से ना इंसाफी नहीं जाएगी। जब संविधान तो हमारे फैसला लिया भारत का कोई मजहब होगा, भारत मानेगा, भारत अगर उन लोगों
सियासत को नहीं मानते। मेरे अजीज दोस्तों, ये वो मुल्क है सारी दुनिया में एक जहां पर बेशुमार मजाहिब के मानने वाले रहते हैं, बेशुमार बोलियां बोली जाती है, हजारों में तहजीब है, मगर भारत का ना तो कोई एक तहजीब है ना तो कोई एक तरमीमी कानून बनाकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जिसका बिहार के वजीर आला साहब ने साथ किया। मैं आज किशनगंज से, सीमांचल की गैयूरों की सरजमीन से बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि ये जो सुप्रीम अमेंडमेंट कानून बनाया गया, दोबारा इस मुल्क को पार्टीशन की राह की तरफ लेकर जाता है। अली जीना के पैगाम को ठुकराया, और क्यों ठुकराया? हमने पाकिस्तान को अपना मुल्क नहीं माना, हमने भारत को अपना देश माना, और इसीलिए हम यहां पर रुके। ये महीनों का नहीं है, बल्कि ये मसला ऐसा है जिसका राज ताल्लुक हिंदुस्तान के 120 करोड़ जनता से है। अगर आज भारत की जनता खामोश हो जाएगी, इस काले कानून पर अगर अपनी आंख बंद कर लेगी, अपनी जान को गूंगा बना देगी, अपने कानों को सुनने की तासीर से खत्म कर देगी, तो याद रखो, आने वाली नस्ल हमको और तुमको माफ नहीं करेगी। जब आने वाली नस्ल हमसे पूछेगी कि ये बापू और अंबेडकर के मुल्क में कैसे मजहब के नाम इस मुल्क को बांटने की कोशिश, सिवाय मुसलमानों को मैं वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, मैं नीतीश कुमार साहब से पूछना चाहता हूं, आखिर आपको मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? आखिर आपको इतनी नफरत क्यों है मुसलमानों से कि हमने खून नहीं बहाया इस मुल्क की आजादी के लिए? नहीं चल सकता मेरे भाई, ये काम हिंदुस्तान के वजीर आजम
मुसलमानों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। परिवार के लोगों सुनो, बीजेपी के जिम्मेदारों, हमको किसी से नहीं लगता, हमको ना मोदी से डर लगता है, ना हमको नीतीश कुमार से डर लगता है, ना हमको राहुल गांधी से डर लगता है। अगर हमको किसी से डर लगता है तो जमीन और आसमान को बनाने वाले से डर लगता है, इंसानों जानवरों से हमको डर नहीं। अगर हम यहां पर जमा हुए तो डर की बुनियाद पर याद रखो, हम यहां पर जमा हुए तो उम्मीद के ऊपर जमा हुए। अगर हम किशनगंज के इस मैदान में जमा हुए तो डर की बुनियाद पर नहीं, उनको बचाने की बुनियाद पर जमा हुए। अगर हम यहां पर हिंदुस्तान का खौनी तराना पढ़कर अपने जलसे का आगाज करते तो डर कर नहीं, मुल्क से मोहब्बत के नाम पर हम खौनी तराना पढ़ते और पढ़ते रहेंगे। अगर आज के जलसे में हमारा तिरंगा ले रहा है तो अपनी वफादार को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों से तिरंगा छीन कर बता के लिए आया हूं। ये कानून हमारे भारत के संविधान के खिलाफ है, ये कानून अंबेडकर की सोच के खिलाफ है, ये कानून गांधी की कुर्बानियों के खिलाफ है, ये कानून राजेंद्र प्रसाद के खानों को चकनाचूर करता है। इसलिए मैं किशनगंज से भारत की आवाम से अपील करता हूं कि इस कानून को मुस्तरद करो, रिजेक्ट करो, ये मुल्क के मफाद में नहीं है। अब बीजेपी के लोग वजीर आजम रामलीला ग्राउंड दिल्ली से कहते हैं कि एनआरसी है, अमित शाह दूसरे दिन कहते हैं अब एनआरसी नहीं है। आज रविशंकर प्रसाद जब पटना के रूप में पार्लियामेंट में इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक और बयान देते हैं, पहले नोटिफिकेशन आएगा बाद देखा जाएगा, जो डेटा जमा होगा वो देखेंगे कि रियासती हुकूमतों को कैसे उसको इस्तेमाल करें या क्या करें। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बीजेपी और वजीर आजम कहते हैं को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार कहते हैं कि मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान है। जब भारत का नुकसान होगा तो मेरा नुकसान नहीं होगा क्या? संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं पार्लियामेंट में भी इस सवाल को उठाया और आज आपके दरमियान में खड़ा होकर इस सवाल को उठा रहा हूं। बताओ वजीर आजम, बताओ बिहार के चीफ मिनिस्टर, आसाम में एनआरसी हुई और 19 लाख अवाम के नाम आसाम के एनआरसी में नहीं आए, जिसमें से 5 लाख मुसलमान, ना बाकी हमारे गैर मुस्लिम भाई और बहन है। क्या बीजेपी ने यह प्रोग्राम नहीं बनाया कि आसाम में मुसलमानों को छोड़कर खासतौर से 5,40,000 जो हमारे आसाम में हमारे हिंदू भाई जो बंगाली जबान बोलते हैं उनको भारत की शहरियत दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी, उन पर जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में मुकदमा चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, जिसका जिक्र इस कानून में है, और किस पर मुकदमा चलेगा फिर वो 5 लाख मुसलमान जो बंगाली जबान आसाम में बोलते हैं उन पर मुकदमा चलेगा, उनको डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा। बताओ नीतीश कुमार, बताओ नरेंद्र मोदी, क्या ये हमसे इंसाफ हो रहा है या नाइंसाफी हो रही है कि आसाम में बंगाली हिंदू जो हिंदू है उनको आप प्रोविजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत शहरियत देंगे और आसाम में जो 5 लाख मुसलमान के नाम नहीं आए उनको आप कहेंगे तुम घुसपैठी हो, तुम दीमक हो, अरे ये तुम्हारी नाइंसाफी है, तुम मजहब के नाम पर मो
मुल्क को बात करो और इसीलिए हम इसके खिलाफ आवाज उठा रहे, एहतजाज कर रहे हैं। असम में मेरे भाई, ये मेरे अल्फाज नहीं है, असम के फाइनेंस मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा का नाम देखकर देख लो, गूगल पर जाकर एक नई लखत्तर बयान मिलेंगे कि हेमंत बिस्व शर्मा कह रहा है कि जो 5,40,000 हिंदू बंगाली, उनको डरने की जरूरत नहीं है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम उनको शहरियत दे देंगे। खुद अमित शाह ने पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर कहा कि ओवैसी जी आप ये सुन लीजिए कि देश में एनआरसी आएगा, ये अमित शाह साहब का बयान है। और फिर अमित शाह कहते हैं कि नहीं, एनपीआर में और एनआरसी में फर्क नहीं है। यकीनन मैं अमित शाह साहब की तरह इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, मगर जो एनपीआर और एनआरसी का जो रूल्स का कानून है वो दोनों के लिए एक है। एनपीआर का कानून, एनआरसी का कानून, वो 2003 रूल्स के तहत आता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जाकर रूल नंबर 3 पढ़ लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जाकर रूल नंबर 4 पढ़ लो। दोनों कह रहे कि एनपीआर एनआरसी में कोई फर्क नहीं, एक सिक्के के दो रुख हैं। क्या है एनपीआर? एनपीआर यह है कि किशनगंज में गवर्नमेंट का एक मुलाजिम आपके घर को आएगा, करोड़ हुदा का नाम पूछेगा, कितने बच्चे करोड़ हुदा के नाम लिखेगा, और फिर करोड़ हुदा से पूछेगा कि तुम्हारे मां बाप की पैदाइश की तारीख क्या है, उसके बाद पूछेगा कि कहां पैदा हुए थे आपके मां बाप, बच्चों से पूछेंगे, ये इंफॉर्मेशन लेकर लोकल रजिस्टर में जाएगा, और लोकल रजिस्टर में एक गवर्नमेंट का छोटे लेवल का मुलाजिम लिख देगा खबरुल हुदा मुश्तबा सिटीजन है, डाउटफुल सिटीजन है। यह उसका अख्तियार है, वो लिख देगा कि खबरुल हुदा डाउटफुल सिटीजन है। फिर वहां से लेटर आएगा खबरुल हुदा को, जनाब खबरुल हुदा साहब, आप हिंदुस्तान की शहरियत आपकी शक में आ चुकी है, आप डाउटफुल हैं, क्या कागजात है आपके पास लेकर आइए। क्या खबरुल हुदा साहब जाकर अपने वालिदैन का बर्थ सर्टिफिकेट ला के देंगे? क्या इस उम्र में आकर बताएंगे कि मैं भारत का, इस देश का वासी हूं? कौन तय करेगा, किसने तुमको अख्तियार दिया कि तुम तय करोगे कि भारत का नागरिकता किसके पास है? या नहीं मेरे भाई, ये कानून काला कानून है, ये एनपीआर में होगा। अब एनपीआर में जब कमर हुदा का नाम निकल गया तो एनआरसी बन जाता है, आप क्या रिश्ता है फिर? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं बीजेपी और नीतीश कुमार? एनपीआर एनआरसी एक है, याद रखो। अगर एनपीआर का काम जो सरकार शुरू करना चाहती है 1 अप्रैल 2020 से, एनपीआर जब बन जाएगा तो एनआरसी कुछ नहीं है, थोड़ी देर में एनआरसी बन जाएगी। क्या आसाम में कैसे हुआ? आसाम में मेरे भाई, जिनके पास कागज नहीं है, मैं जानता हूं आसाम में कि बेटे का नाम आ गया, बाप का नाम आ गया, पोते का नाम आ गया, मगर मां का नाम नहीं आया। इसलिए कि मां शादी के बाद घर बदलती है। यह मसला हमारे महिलाओं को सबसे ज्यादा मुतासर करेगा, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो। ये एनपीआर में जैसा कि अभी हमारे पुणे से मुंबई से आए हमारे मेहमान ने कहा कि क्यों पूछ रहे आप पासपोर्ट, हमसे सेल फोन नंबर, आधार, मेरे उनकी तारीख पैदाइश क्या है? इसलिए कि भारत में जो कानून है वो ये है कि अगर 87 से पहले कोई पैदा हुआ तो भारत का शहरी, 87 और दिसंबर के दरमियान में जो पैदा हुआ तो कम से कम उसकी एक वालिद या मां भारत की शहरी होनी चाहिए तो शहरियत मिलेगी।
और 2004 के बाद अगर दोनों माँ बाप हिंदुस्तान के शहरी नहीं तो किसी को भी शहरियत नहीं दी जाए, यह कानून है। और आज रविशंकर प्रसाद इंडियन एक्सप्रेस अखबार में कंफ्यूज करने के लिए, भारत के आवाम को, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए एक औरत बयान देती है। रोज एक एक बयान आता है, कभी नकवी साहब कुछ कहते हैं तो कभी रविशंकर प्रसाद कुछ कहते हैं, कभी अमित शाह कुछ कहते हैं, कभी नीतीश कुमार कुछ कहते हैं, कभी वजीर आजम अपनी मन की बात में हमेशा कुछ ना कुछ नई बात करके चले जाते हैं। ये कानून अगर आएगा, ये सीमांचल का इलाका है, याद रखो, झारखंड के एक एमपी बीजेपी के जिनका नाम निशिकांत दुबे है, निशिकांत दुबे ने आज से जो पिछले पार्लियामेंट के सेशन में उत्तर खड़ा था कि सीमांचल में मुसलमानों की बहुत आबादी बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है, जाकर देखो, ये आपको तकलीफ पहुंचाने वाला कानून है, क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो समझते हैं पूरे हम वहां से आए नहीं आए। अरे यहां पर जिस किशनगंज में सीमांचल में जितने कब्रस्तान है, अगर अल्लाह कब्रस्तानों में लेते हुए मुर्दों को अगर अल्लाह ताकत देगा तो पुकार कर कहेंगे जो सीना तान के हमारे बुजुर्ग सो रहे कि हम इस देश में पैदा हो इसी देश में आज सो रहे हैं। मगर ये सबसे ज्यादा तकलीफ यहां पर की जाएगी तो कई कोई बीजेपी का लोग कहेंगे अरे क्या कह रहे हो इसी तुम, क्या कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम किसी को लिख देगा खमरुल हुदा को। मेरे दोस्त, हमारे भारत में एक जगह है पुडुचेरी जहां पर हमारी एक बेटी ने गोल्ड मेडल जीता, उसको सदर जमहूरिया से गोल्ड मेडल और डिग्री लेने की इजाजत इसलिए नहीं दी गई क्योंकि हमारी बेटी हिजाब पहनी हुई, हमारी बेटी हिजाब पहनी हुई थी, वो मुसलमान थी मगर देश की बेटी भी तो है, क्योंकि सर पर हिजाब था तो नफरत निकल कर आ गई, कहा कि नहीं एहतजाज करेगी, जब कोई मेरे घर पर आएगा उसके दिलो दिमाग में भी नफरत होगी और किसी को भी डाउटफुल लिख दिया जाएगा, बताओ आप क्या करेंगे। आप डिटेंशन, प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम ने कहा रामलीला ग्राउंड में कि डिटेंशन कैंप नहीं है, फिर से नरेंद्र मोदी ने देश को गुमराह कर बयान दिया, डिटेंशन कैंप आसाम में और कैसे 8-8 साल 7-7 साल से डिटेंशन कैंप में लोग सड़ रहे हैं। अगर खमरुल हुदा का नाम आ भी गया तो रजिस्टर लगाया जाएगा किसी एक गवर्नमेंट के दफ्तर में और वहां पर बीजेपी के लोग जाकर उस पर भी ऑब्जेक्शन डालेंगे, अपना एतराज डालेंगे कि नहीं हमको शिकायत है कि खमरुल हुदा के नाम को कैसे आ गया। यह आसाम में हुआ, यह कानून में है 2003 रूल्स में, और बीजेपी देश की जनता को गुमराह कर रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काला कानून है जो देश के लिए अच्छा नहीं है, इसको मुस्तरद करना है। ये याद रखिए, हमको कोई एतराज नहीं है कि पाकिस्तान से हमारे हिंदू भाई आते हैं, कि बांग्लादेश से हमारे हिंदू भाई आते हैं, को अफगानिस्तान से हमारे हिंदू भाई आते आइए, उनको आप दीजिए रेफ्यूजी का स्टेटस दीजिए, मगर ये कौन सी बात है कि मजहब के बुनियाद पर कानून बना दिया जाए। मुझे गम इस बात का नहीं है कि पाकिस्तान से कोई मुसलमान नहीं आएगा, मुझे गम इस बात का है जिसके लिए हमने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, जिस देश के हुकूमतों को बहाल करने के लिए हमने सरदों पर अपनी गर्दनों को कटा दिया, जिस देश के लिए हमने सब कुछ किया, आज उसी देश की कुर्सी पर बैठने वाला नरेंद्र मोदी भारत के 17 करोड़ मुसलमानों पर शक कर रहे हैं आप हम पर, ये नाजायज है, ये गलत है। मेरे भाई, मैं सलाम करता हूं हमारे अब्दुल रहमान साहब का, जिनकी 15 साल की अभी सर्विस बाकी थी, इन्होंने CAA के इस काले कानून के खिलाफ
इंडियन पुलिस सर्विस से अपना इस्तीफा पेश कर दिया। ये बहुत बड़ी कुर्बानी उस बिहार के बेटे ने दी, मैं इनका सलाम करता हूं। अब हम नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं, आपको ठीक है आपने कहा था कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, मगर नीतीश कुमार साहब क्या आपके सीने में गलत तारा जल नहीं है? क्या आपके सीने में गलत तारा जल नहीं है? कैसे आप अपनी आंखों को बंद करके, क्या आपका शरीर आपको इस बात की इजाजत देगा कि भारत में इस तरह का कानून बनेगा मजहब की बुनियाद पर? जनाब नीतीश कुमार साहब, आपको नरेंद्र मोदी 3 मिनिस्टर के पोस्ट देने वाला हम जानते हैं, एक कैबिनेट का जो नमस्कार नीतीश साहब भारत के संविधान को खराब करके हिंदुस्तान के गरीबों की लाशों पर आप अपना सियासी महल तामीर मत करो, तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। भारत के संविधान की धज्जियां उड़े जा रही है और आप आंखें बंद करके बैठे हैं। भारत के गरीबों से नाइंसाफी हो रहा है, अपनी जान को खामोश करके बैठे हैं। मैं मानता हूं आपने बीजेपी का साथ दिया, मगर अगर आपने यह जमीन जिंदा है, अगर आपके सीने में गलत का दे है, तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जिस तरह केरला की हुकूमत ने एनपीआर के खिलाफ, केरला की कम्युनिस्ट हुकूमत ने एक गवर्नमेंट जारी किया कि केरला में एनपीआर को लागू नहीं किया जाएगा, ये तमाम किशनगंज की जनता, बल्कि आप मुझे इजाजत दें तो मैं कहूंगा कि बिहार की तमाम जनता नीतीश कुमार से मुतालबा करती है कि बिहार में एनपीआर लागू नहीं होना चाहिए। क्या आपको मंजूर है? क्या आपको मंजूर है कि बिहार में एनपीआर लागू नहीं होना चाहिए? नीतीश कुमार साहब, ये जनता आपसे मुतालबा करता है कि आप एनपीआर के खिलाफ एक आदर कल तक जारी कर दीजिए कि बिहार की सरकार बिहार में एनपीआर को जारी नहीं करेगी। आपको करना पड़ेगा, ये इलेक्शन के लिए नहीं कह रहा हूं, ये भारत के लिए कह रहा हूं। अंबेडकर है, गांधी से आपको मोहब्बत है, राजेंद्र प्रसाद का नाम नीतीश कुमार लेते हैं, तो सुनो नीतीश कुमार, जब भारत का आईन बन रहा था, जब भारत के आईन का तमही बनाया जा रहा था, तो उस वक्त एक एचवी कामत साहब थे जिन्होंने कहा था कि जब आईन लिखा जाएगा, आईन की तमही लिखी जाएगी, तो भगवान नाम से लिखा जाएगा। तो राजेंद्र प्रसाद साहब ने जाकर एचवी कामत से कहा कि नहीं नहीं, तमहीद का आगाज भगवान या खुदा नाम से नहीं हो सकता। ओटिंग हुई और एचवी कामत साहब हार हार गए। मेरे भाई, ये हमारे बुजुर्गों के फैसले थे। आज वजीर आजम इस मुल्क को मजहब की बुनियाद पर कमजोर करना चाहते हैं। एनपीआर एनसीआर में कोई फर्क नहीं है, एनपीआर एनआरसी में कोई फर्क नहीं है, किसी भी जगह पर कहीं पर भी कोई भी बीजेपी के बड़े से बड़े लीडर से बहस करने के लिए तैयार हो, आओ बात कर लेंगे, आओ बात कर लेंगे। मैं तो एक नहीं, 9 मरतबा पार्लियामेंट में कहा कि एनपीआर की है, जो कागजात किताबात पार्लियामेंट में दिए गए उसमें कहा गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काला कानून है और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये काला कानून बना, अब तक भारत में 20-25 लोगों की मौत हो चुकी है। जाने मिलिया का आप ही का बिहार का बेटा मिराजुद्दीन को पुलिस ने यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में घुसकर उसको ऐसा मारा कि अपनी एक आंख से महरूम हो गया। यही सीतामढ़ी का बच्चा है, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चे को हाथ काटा। उत्तर प्रदेश में 18 लोगों की मौत हुई और अफसोस तो यह है मुझे कि मीरठ में वहां के एसपी ने उनका और वीडियो में
एक मुस्लिम महल्ले में जाकर कहते हैं तुम यहां का खाओगे और वहां का गाओगे, तुम क्यों नहीं पाकिस्तान चले जाते, मैं इस पूरी गली को जेल में डाल दूंगा, तुमको तुम्हारी नानी याद दिला दूंगा। मैं न्यूयॉर्क के एसपी से कह रहा हूं सुनो, वो जो मुसलमान तुम्हारी वर्दी को देखकर इज्जत कर रहा था, मगर मैं आज किशनगंज से मेरठ के एसपी को पैगाम दे रहा हूं, सुनो एसपी साहब, तुम सुनो मेरी बात को, मेरी बात सुनो। और मेरठ के एसपी का शायद मेरे अल्फाज सुनने के बाद तुम्हारे दिल में जो हिंदुस्तान में छुपी हुई जाग जाएगी, सुनो मेरी बात को एसपी साहब। मेरठ वो सरजमीन है जहां पर हिंदू और मुसलमानों ने जो अंग्रेजों के सिपाही थे, जब उनको पता चला कि बंदूक की कारतूस पर गाय की चर्बी रखती है, सूअर की चर्बी रखती है और कारतूस चलाने से पहले उसको अपने मुंह से तोड़ना पड़ता है, तो अंग्रेज फौज के हिंदू और मुसलमान सिपाहियों ने मेरठ की तारीखी सरजमीन पर ऐलान बगावत बुलंद किया, अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी और वो सिपाही हिंदू और मुसलमान मिलकर दिल्ली को जाते हैं। बहादुर शाह जफर से कहते हैं, बहादुर शाह जफर अब इंकलाब बढ़ता हो चुका है, आप इसकी खिलाफत करिए। एसपी साहब वो मेरठ की सरजमीन है और तुम वहां पर ठहरकर हमको कहते हो पाकिस्तान चले जाए। एसपी साहब अंग्रेजों को गोली हमने मारी थी, हिंदू मुसलमान ने मिलकर मेरठ में मारी थी, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारी वफादारियों पर शक करते हो? मुसलमान दिख गया तो पाकिस्तान तुमको याद आ गया, मुसलमान दिखा तो तुमको मेरठ की अजीम कुर्बानी की याद दिले एसपी साहब, मुसलमान दिखा तो तुमको नहीं याद आए, मुसलमान दिखा तो तुमको जौहर प्रदान क्यों याद नहीं आए? अरे बताओ, वही तो उस जमीन के बेटे हैं, ये मेरठ की तारीख है और मेरठ के एसपी मुसलमानों के एसपी में जाकर कि तुमको पाकिस्तान चले जाओ। अरे पाकिस्तान हम उस वक्त नहीं गए तो अब क्यों जाएंगे? सुनो एसपी साहब, तुम अगर हमको लाइन में खड़ा करके गोलियां मार भी दोगे, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर हम इस मुल्क को नहीं इंशाल्लाह ताला। अब दोबारा हिजरत नहीं होगी, सुनो संगियों, अब दोबारा हिजरत नहीं होगी। अगर मैंने अपनी मां का दूध पिया है, अगर मैं अपने बाप का बेटा हूं तो तुमसे लड़ूंगा, घर से निकला, गोली मार के पुलिस वाले अरेस्ट कर लेकर गए, 18 लोगों की अमवात, वीडियो है सोशल मीडिया पर कि उत्तर प्रदेश की पुलिस मस्जिद के आईने तोड़ रही है, गाड़ी के आईने तोड़ रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी कहती है कि हम इनसे पैसा लेंगे, हम इनकी दुकानों को सील करेंगे, इनकी कारोबार को जब्त करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को भी पैगाम देना चाहता हूं, योगी साहब बुलंदशहर में एक पुलिस का इंस्पेक्टर, बुलंदशहर में एक पुलिस का इंस्पेक्टर वर्दी पहना हुआ था, उसको भीड़ ने गोली मारकर उसको शहीद कर दिया। बताओ योगी, तुम्हारी हुकूमत ने मारने वालों के कितनों की जायदाद को जब्त किया? जो पुलिस ऑफिसर वर्दी में था, बता रही होगी कि तुम्हारी रियासत में एक
एक ही दिन में एक भीड़ जमा होकर 12 दलितों का कत्लेआम किया, तुमने कितनों की जायदाद जब्त की? बताओ बताओ, तुमने, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मेरा नाम असद है तो मेरी जायदाद जब्त करोगे, मेरा नाम मुसलमान है तो मेरी जायदाद जब्त करोगे। नरेंद्र मोदी जी, यह आपका सबका साथ सबका विकास ये सब झूठ है, इसमें सच्चाई नहीं है। हम आपसे यही कह रहे, अगर संविधान को आप मानते हैं, इस कानून को वापस लेना पड़ेगा इस सरकार को, ये गलत कानून है। मैं आज के जलसे से भारत के तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले तुर्बा और तलबात को सलाम करता हूं कि इन नौजवानों ने इस काले कानून के खिलाफ लड़ाई का आगाज किया। आप जहां कहीं भी जद्दोजहद कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ है। ये लड़ाई मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई भारत को बचाने की है, देश को बचाने की है, संविधान को बचाने की है। और मैं आपसे अपील कर रहा हूं मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं, और वो ये है कि मैं आपके सामने भारत की आईन की तमहीद को करूंगा, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप तमाम उस भारत के आईन की तमहीद को मेरे साथ करेंगे। आप तैयार हैं? हम भारत की आवाम मकानों को संजीदगी से जम करते हैं कि भारत को एक मुख्तदर समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाएंगे, और इसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करेंगे इंसाफ, समाजी माशी और सियासी आजादी, ख्याल इजहार, अकीदा, दीन और इबादत, मसालात बाएतबार हैसियत और मौके, और इन सब में इख्वत को तरक्की है, जिससे फर्द की अजमत और कौम के इत्तेहाद और सालमियत का तहफ्फुज़ हो। और हिंदुस्तान के वजीर आजम के लिए और बिहार के वजीर आला के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो इस कानून को बनाया है, मेरे देश की तमाम जनता से अपील है, नौजवानों से गुजारिश है, बुजुर्गों से गुजारिश है कि 26 जनवरी तक आप भारत का ये प्रियाम्बल, ये तमहीद को पढ़िए, इसका वीडियो को बनाइए और उसके नीचे लिखिए कि मेरा संविधान, और उस वीडियो को यूट्यूब डालिए, संविधान के आईन को तमहीद को पढ़िए, और तमहीद को पढ़ने के बाद आप भारत के प्राइम मिनिस्टर से कहिए कि मोदी जी इस कानून को वापस लो, इस देश को बचाओ। एक वीडियो बनाकर 26 जनवरी तक करोड़ों की तादाद में इस वीडियो को पूरे यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर डालिए, व्हाट्सएप पर डालिए। मेरे भाई, क्या आप ये काम करेंगे? क्या आप मेरे संविधान के नाम पर एक मिनट का वीडियो बनाकर डालेंगे? भारत के प्रधानमंत्री को भी जाएंगे, फेसबुक, ट्विटर सब पर भी जाइए, क्योंकि 26 जनवरी को हमने अपने आप को संविधान लिया था, उसको अपने हुत नारा था, ये सी दबारे का कानून संविधान के खिलाफ है। मेरे भाई, वीडियो बनाइए एक मिनट का, 26 जनवरी तक इसको डालते रहिए, और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो जुल्म और बर्बरियत की है, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला कुदरत का कानून यही रहा है कि अल्लाह जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता, ये जुल्म का खात्मा होगा इंशाअल्लाह ताला, ये जुल्म का खात्मा होगा, ये भारत हमारी सरजमीन में अमन होगा।
किशनगंज की जनता, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं? क्या आप इस देश को सेकुलर बनाकर रखेंगे? क्या आप बिहार से प्रजापरस्ती का खात्मा करेंगे? क्या आप बिहार से प्रजापरस्ती का खात्मा करेंगे? क्या आप सी गवर्नर कानून के खिलाफ है? क्या आप एनपीआर के खिलाफ है? बचाना है। शुक्रिया। वाखिर दान अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।